उधर चल। जहाँ तक सब्जेक्ट की बात है तो मेरी जो पहचान है माय फ्रेंड गणेशा की जो सीरीज है पार्ट वन पार्ट टू पार्ट थ्री पार्ट फोर भी आ रही है, लेकिन इसके अलावा जो फिल्में मैंने लिखी सारी रियलिस्टिक फिल्में थी। शबनम मौसी, अनारा गुप्ता का जो जब जम्मू कश्मीर में कांड हुआ था उसके ऊपर, भगत सिंह पे तीन फिल्में बना दी थी, राजगुरु पे किसी ने फिल्म नहीं लिखी थी, राजगुरु पे मैंने फिल्म लिखी। तो जब आप सब्जेक्ट ढूंढते तो जो बॉलीवुड मसाला होता है कि बॉलीवुड मसाला फिल्में वही होती है कि लॉस्ट एंड फाउंड और ये जैसे मनमोहन देसाई बनाते थे, सारी चीज़ें अच्छी फिल्में होती थी, सुपरहिट चलती थी, लेकिन हर आदमी का अपना काम करने का अंदाजा होता है। तो मैंने जब राइटिंग की रियलिटी सिनेमा की तब शुरुआत हुई कि मैं अपना डेब्यू भी ऐसे ही सब्जेक्ट से करूँगा। तो जब रंजीत जी से बातचीत हुई कि क्या करना चाहते हैं कैसे करना चाहते हैं, तरन्नुम की कहानी सामने आई और हमारा डिस्कशन चल रहा था कि तरन्नुम पे फिल्म बनाएं, उसी समय सरकार का फैसला आया। सरकार का फैसला आया और सरकार के फैसले से ये हुआ कि बार बालाएं जीत गई, तो बहुत बड़ी जीत थी। तो वो हमारे लिए सब्जेक्ट बनाने का बढ़िया मसाला था और एक सच्चाई को सामने लाने का था, इसलिए मैंने इस फिल्म को चुना। राखी जी को क्यों लिया? राखी जी इसलिए कि आपको जब डांस की बात आती है, बार की बात आती है, तो राखी जी से बेटर कोई डांसर नहीं है। एक हेलन जी थी और जब हम राखी हमारी और राखी की दोस्ती शुरुआत हुई थी तो हम लोग बातें करते थे कि राखी कैसा कैरियर बनाना है, तो ऑलवेज चेस के हेलन जी के जैसा। तो डांस की बात आई तो सारे लोग जो इस फिल्म से जुड़े हुए, मैं बहुत किस्मत वाला हूँ कि मेरी फिल्म में आशिमा को जब मैंने देखा डांस करते हुए, सी सुपर डांसर, फिर शक्ति जी जहन में आए, किरण जी आए, प्रशांत नारायण जो करेक्टर में है वो परफेक्ट अपने रोल पे हैं, जैके श्रॉफ हैं, और डांस को लेकर सारी चीज़ें आई। तो म्यूज़िक की बात आई तो बप्पी लहरी साहब से हमारी मुलाकात हुई और बप्पी लहरी जो है कि डांस हो या डिस्को डांसर हो, उन सब में जो है ना जो उन्होंने म्यूज़िक दिया था, तो बप्पी लहरी को म्यूज़िक डायरेक्टर लिया और कोरियोग्राफी के लिए जो है ना लॉलीपॉप जी जो है डांस कराने में नंबर वन है, जिन्होंने सलमान से लेकर के आमिर सबको नचाया। तो बोला सर इस फिल्म का डांस भी आप करेंगे। तो बार गर्ल की कहानी है, डांस की कहानी है, इसलिए राखी सावंत भी है यहाँ पे, इसलिए बप्पी लहरी भी है यहाँ पे, इसलिए शक्ति कपूर भी है, किरण झंझानी, तो पूरा म्यूजिकल स्कोप है और लॉली जी नचा रहे हैं सबको, बहुत बढ़िया तरीके से काम हो रहा है। मैं चाहूँगा कि बड़ा प्यार मिले लोगों का इस फिल्म को और सच्चाई सामने आए बार गर्ल की।